गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे, तो आज है मेरे मायके में कथा। सुबह का टाइम हो चुका है, सारे जो है गेस्ट वगैरह जो भी हमारे गांव के लोग हैं वो आ चुके हैं, और कथा स्पेशली रखी गई है नई दुल्हन और दूल्हा के लिए, सत्यनारायण की कथा। तो मैं दिखाती हूँ क्या तैयारियाँ हुई है और क्या नहीं, और कौन कौन आया है उनसे भी मिलवा। हाँ, और ये देखिए मेरी सिस्टर रेडी हो चुकी है रूही, और ये भी रेडी हो चुके हैं मेरे फूफा जी, बुआ जी के पति। मामा जी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। तो इस तरह की गद्दियाँ वगैरह बिछा ली है, रूम यहाँ पर की जाएगी कथा। पंडित जी अपना काम करने में लगे हुए हैं, तो पंडित जी तैयारियां कर रहे हैं कथा की। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे हमारी हिमाचली धाम कहाँ पर बन रही है। तो चलिए, हिमाचली धाम वहाँ पे खेत में बन रही है, और कुछ लोग अभी आ ही रहे हैं ऊपर से। ये सारे के सारे जो है सेब के बगीचे हैं मम्मी लोगों के। हेलो, तो बुआ जी से तो कई बार मिल चुके हैं, तो ये मामा जी जो है बुआ जी के पति हैं, हम बोलते हैं फूफा जी को। मंडियाली धाम, हाँ मंडियाली धाम बनेगी है ना। तो यहाँ पे बन रही है जी प्रसाद के लिए बबरू। यहाँ पर भी चाचियाँ और ताइयाँ लोग पनीर कट कर दिया है और धनिया काट रहे हैं, तो सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। इसी तरह से गांव की औरतें सब मिलजुल कर हेल्प करते हैं काम बटा। बन रही है जी मंडियाली धाम। नमस्कार, क्या क्या बन रहा है मंडियाली धाम में? चने, इसमें बन रहे हैं चने, क्योंकि चने स्पेशली पूजा के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपना अपना काम में लगे हुए सब लोग। वहाँ पर मटर पनीर बनेगा अभी, उधर दाल भी बॉयल हो चुकी है। जब बन जाएगी धाम तब मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। गांव का शांति सुकून हर जगह, तो शादी भी अच्छे से निपट गई थी। और ये है सेब के, अभी इसमें कटिंग करानी है, प्रूनिंग करनी है। तो ये देखिए बल्ले बनने स्टार्ट हो चुके हैं, बनाने तो बना रही है चाची जी। तो कुछ इस तरह के बनाते हैं बल्ले, महा की दाल के। तो कमेंट करके जरूर बताना किसके बनाते हैं। हमारे ज्यादातर तवे में बनाते हैं, कुछ लोग तो कढ़ाई में फ्राई करके बनाते हैं, बट हमारे यहाँ पे तवे पे बनाए जाते हैं। प्रसाद बन गया है ना, ये स्पेशली पूजा के लिए होता है प्रसाद। किसका बनता है ये? आटे, घी, आटे और घी का। तो आटे और घी का प्रसाद बनाया है ताऊ जी ने। तो ये बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाता है पूजा में, इसको जरूर बनाया जाता है हर पूजा में। तो इसको हम वेद बोलते हैं। तो आटे और घी, और इसमें चीनी लगती है, गुड़, शक्कर है ना। हाँ, तो इस इन तीन चीजों का ये बनता है, इसको भून के बनाया जाता है। तो दादाजी भी बैठे हैं, दादाजी और ताऊजी बना रहे हैं। तो इस तरह की तैयारियां चली है अभी। तो सुबह का टाइम है, आज एक स्पेशल डे भी है। स्पेशल डे क्या है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो हमारे वैसे सिर में धाटू वेयर किया जाता है, जब कथा होगी उस टाइम मैं भी वेयर करूंगी। तो चलिए, हेलो अंकल, पैसा दिखाओ। पैसा था ये देखिए, मेरे पास सिक्का है बहुत ही पुराना, इसमें लिखा है फोकस रुपए का सौवा भाग है ना, एक पैसा है ये। ये देखिए, तो ये देखिए दादाजी मेरे बैठे हुए। तो दादाजी कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है, बढ़िया शानदार। ओके दादाजी, ठीक है, सब लोग सब काम करते हैं अभी भी इस एज में। इतनी साल के हो गए? 80। आप तो घटते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। 80 ईयर के हो गए। तो दादाजी देखिए सारा काम करते हैं अभी भी, सारा घर संभालते हैं। तो सब लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं पीछे भी। मॉर्निंग। हमें बोलते हैं कि मामा जी, क्यों बोलते हैं आप बुआ के पति को? बुआ के पति को बोलते हैं फूफा जी। तो मैं बता दूं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं मामा जी बुआ के पति को, वैसे फूफा जी बोलते हैं बुआ के पति को। तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं मामा जी। तो देखिए सब लोग बैठ गए हैं आराम से, धूप से सेक रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ काउ शेड मम्मी का। यहाँ पर किचन गार्डन था, सर्दियों के कारण ये सूख चुका है। इसमें देखिए चेरी टमाटो अभी भी, ये देखिए चेरी टमाटो अभी भी बचे हुए। और यहाँ पर देखिए मम्मी का बैंगन,
भी बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ठंड में तो कोई भी चीज सब्जी वगैरह नहीं होती है, सिर्फ साग होता है। और ये देखिए सेब कैसे गिरा हुआ है नीचे, कोई कदर नहीं है यहाँ पे सेब की, क्योंकि सेब ही सेब बहुत ज्यादा इनने स्टोर करके रखे खाने के लिए भी। यहाँ पर देखिए पुदीना ही पुदीना, जो कि बिल्कुल हरा है अभी, अभी भी यूज में लाया जाता है इसको। तो यहाँ देख सकते हैं ये है काउ शेड, ये मेरी चाची की, ये मेरी मम्मी की, इसमें डाला है पूरा का पूरा घास ऊपर, सर्दियों के लिए स्टोर करके रखा है, देख सकते हैं, क्योंकि बर्फ गिरती है यहाँ पर, तो सर्दियों के लिए पशुओं को स्टोर करके रखा जाता है घास। और दिखाती हूँ मैं कि मम्मी की गाय कितनी है। तो ये है जी, हमारे बोलते हैं खूड़, तो इसमें गाय को रखा जाता है। तो ये देखिए ये है गाय, दो गाय मम्मी की, बैठो नीचे। वो बाप रे बाप ने, मैं ही शूट कर रही हूँ। किसका बर्थडे है भाई? आपका। किसका बर्थडे है? तोनू का। मेरा तो नहीं है, आपका बर्थडे है। देखो मेरे लिए सरप्राइज, मेरे लिए सरप्राइज रखा है, मेरा बर्थडे है, तो इन्होंने सरप्राइज प्लान कर दिया सबने, तो थैंक यू सबका। तो अपने बर्थडे की भी शूटिंग मैं ही कर रही हूँ, क्या कर सकते हैं भाई अब। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है मेरे बर्थडे की। पांडव अफसर को बृहस्पति धातु ओम प्री कदश मारुतो वृषना। तो ये देखिए जी भल्ले बन चुके हैं, ये देखिए कितने ढेर सारे बना दिए हैं चाची ताई लोगों ने, तो मिलजुल के देखिए आंटी भी लगे बनाने, तो इसी तरह से भल्ले बनाए जाते हैं। तो ये देखिए इतने सारे भल्ले बना दिए हैं चाची लोगों ने, तो तैयार हो चुके हैं पूजा के लिए। ताय नमः स्वाहा, सान देवताय नमः स्वाहा, सर्व देवाय नमः स्वाहा। तो यहाँ पर कन्या पूजन हो रहा है, कन्या के पैर धोले जा रहे हैं पहले। तो यहाँ पर जी प्रसाद बंट रहा है, प्रसाद बांटा जा रहा है, सब लोगों को प्रसाद बांट दिया गया है, और सत्यनारायण जी की कथा होगी ये समाप्त सब लोग। तो ये देखिए कन्याओं को क्या क्या मिला है, रुई दिखाओ सुहागी, देखिए प्रिंची और रुई को धातु बनाया गया है प्रिंची। तो आज जो है मेरा बर्थडे भी है, तो सबने मिलके मुझे सरप्राइज दे दिया स्पेशली, तो थैंक यू उनका और सबका जिसने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया और मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइज दिया। मुझे नहीं मतलब पता नहीं था कि इतना ज़्यादा वो मेरे को बर्थडे का सरप्राइज देंगे, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो थैंक यू सबका। और इसी बहाने सबसे मिलना जुलना हो गया और सत्यनारायण की कथा भी समाप्त हो गई है, अब धाम बन रही है, धाम खाएंगे। पूछते हैं भाई जी बताओ क्या क्या बनाया है। ये हमारा मटर पनीर बना हुआ है, ये मटर पनीर का दम है? नहीं, आलू वाली का दम है, आलू वाली का दम, ये आलू और राजमा का दम। यहाँ पर बना है हलवा है ना, गुलाब जामुन का,
आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है गुलाब जामुन का स्वीट, और ये है राजमा और आलू का दम। और इसमें क्या बन रहा है? इसमें है मटर पनीर। तो देख सकते हैं, निकाल के देख दिखाओ। तो ये देखिए, ये है मटर पनीर मंडियाली धाम का। यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, और यहाँ पे क्या बन रही है? कड़ी। यहाँ इस तरह के टेबल वगैरह बनाए गए हैं बैठने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि ये जो खेत है ना, थोड़ा सा ढलान में है, इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए मैं भी बैठ जाती हूँ। ये देखिए, दूल्हा दुल्हन भी बैठ गए खाना खाने। तो यहाँ पर जी चाचा चाची जी सबको तिलक कर रहे हैं खाने से पहले। तो चाची जी सबका तिलक करेंगे, और तो यहाँ पर जी सबका तिलक कर रहे हैं आंटी अंकल जी, पैसे भी दे रहे हैं और धाटू भी सबको बांट रहे हैं। ये देखिए, हमारे जो धाटू सिर में लगाया जाता है स्कार्फ, इसको धाटू बोलते हैं। तो ये है चाचा जी जो चावल परोस रहे हैं, बोटी साहब जी परोस रहे हैं चावल। और यहाँ पर जी मुझे मटर पनीर परोसा जा रहा है। सब लोग इस तरह से खाते हैं पहाड़ों में धाम। और बात बाड़ा है सब जगह। खा लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे भल्ला भल्ला भी हमें मिल चुका है, जो मैंने पहले शेयर किया था, माह की दाल के जो भल्ले बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये है जी आलू और राजमा का दम। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं पैकिंग कर रही हूँ, देख सकते हैं। अभी जाने का टाइम आ चुका है घर, तो मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ये जो व्लॉग है सत्यनारायण कथा का और मेरा बर्थडे का पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करे, शेयर करे, और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करे। मैं मिलती हूँ ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, खुश रहे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।